मोहम्मद काशिफ सिद्धू पर दिल कर रहा है कि मौसम अच्छा भी इंजॉय कर लिए। चलो भाई तुम कुछ बोलो। सर भाई ने इमरान लान ये मेरे बेली की पुरानी आदत है इंग्लिश मारन की। इंग्लिश तो एवं झाड़ता ना जिम्मे झोना झड़ता। हाँ जी हाँ जी तर्जमा नहीं आता। तर्जमा नहीं आता पर जो आता बोल ही जाता वा। अच्छा जी अज हैगा जी 14वां रोज़ा और बारिश के बाद मौसम बड़ा ही प्यारा हो गया है। तो अज मेरे नाल ने मेरे क्लास फैलो मेरे बेली इन्हें नाल असीं मौसम इंजॉय कर रहे हैं और थोड़ा टाइम भी गुजार रहे हैं। तो बेली उधर अपना तारफ करवाओ। मोहम्मद काशिफ सिद्धू पर दिल कर रहा है मौसम अच्छा भी इंजॉय कर लिए। चलो भाई कुछ बोलो। सर भाई ने इमरान लान ये मेरे बेली की पुरानी आदत है इंग्लिश मारन की। इंग्लिश तो एवं झाड़ता ना जिम्मे झोना झड़ता। हाँ जी हाँ जी तर्जमा नहीं आता। तर्जमा नहीं आता पर जो आता बोल ही जाता वा। मौसम इंजॉय कर रहे हैं अंग्रेजी समय तो उत्तों ही हो जाती अंग्रेजी करेगा। मौसम इंजॉय कर रहे हैं तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया लेकिन हम दुआ है कि बारिशें रुक जाए क्योंकि जी कणक की फसल है गंदम है तैयार है तो उन्होंने भी यानी कि लोगों ने कटाई करनी है। तो मौसम के अहवाल जो शेयर करते हैं अगे साढ़े ना मौजूद रहो। तकरीबन जदों का रमज़ान मुबारक शुरू होया बारिशें मुसलसल हो रही ने और देखो कणक की जी फसल है वो काफ़ी ज़्यादा डिग चुकी है लेकिन कणक फुल तैयार है इस टाइम कटाई वास्ते। तीन चार दिन धुप लग जाए तो मौसम यानी कि अच्छा हो जाए तो कणक की कटाई शुरू हो सकती है। और यह देखो जरा सारी कणक बिल्कुल बिछी पई है। काशी साहब की कहोगे इस कणक के बारे? अल्लाह पाक दा अज़ाब ही है जी इम्तिहान है साडा है मूँह रोजी जी ना ये दोनों दी कीतियां अगे आ रही हैं। तौबा करनी चाहिए।